क्या आप अभी से बुढ़ाना चाहते हैं? मतलब आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कौन चाहता है कि मैं अभी से बुढ़ा बन जाऊँ? लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि हर किसी का आपको बुढ़ापे का शक्ल दिख रहा होगा। फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, हर जगह आपको उम्र से ज़्यादा बड़े आदमी दिख रहे होंगे। वो चाहे फिल्म स्टार हो या फिर वो क्रिकेट प्लेयर, हर कोई बुढ़ापे में पहुँच जा रहा है। आखिर कैसे? एक कमाल है फेसऐप का। बहुत से चैलेंज गए, मोमो चैलेंज, क्या क्या चैलेंज गया, अभी आ गया फेसऐप चैलेंज। लोग अपना शक्ल बदल कर 40 साल बाद कैसे दिखेंगे वो जान जाते हैं, और वो सब कमाल हो रहा है फेसऐप की मदद से। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी मंदिर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल को भी प्रेस करिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बात यह है कि 2007 में पहले iOS के लिए एक रूसियन कंपनी था, उसने फेस ऐप को पहले लॉन्च किया, उसके बाद एंड्रॉयड के लिए आया। ये पहले से है, लोगों को लग रहा होगा कि अभी आया है, नहीं, वो बहुत पहले से है। तो 2019 में अभी ये इतना चर्चा में क्यों है, वो है इसकी जो सिक्योरिटी, इसके प्राइवेसी को लेकर अभी लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बताऊँ फेस ऐप काम कैसे करता है। आपको डाउनलोड करिए, आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने गैलरी से एक फ़ोटो चूज करना होगा, आपका फ़ोटो, या फिर आप उसी वक्त सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी लेने के बाद आपको वो फ़ोटो अपने सर्वर में अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके फ़ोटो को ट्रांसफॉर्म करता है कि आप 40 साल के बाद कैसे दिखेंगे। तो ये है उस ऐप का कमाल। इस ऐप के मदद से आप बहुत सारा चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्माइलिंग फेस हो गया, बियर्ड हो गया, सनग्लासेस हो गया, या फिर आपका उम्र घटाना बढ़ना हो गया। आप यंग भी दिख सकते हैं या फिर ओल्ड भी दिख सकते हैं, या फिर आप अपना जेंडर भी स्वाइप कर सकते हैं। मतलब आप लड़का हो तो खुद को लड़की बना सकते हैं, और लड़की हो तो खुद को लड़का बना सकते हैं, और बहुत ही फनी चीज़ है। तो लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इसका जो डाटा है, इसका आपका कहना है कि आपका मोबाइल इतना कैपेबल नहीं है कि इस चीज़ को प्रोसेस कर पाए। बस हाई एंड जो फ़ोन है वो बस प्रोसेस कर सकता है। सब जो जितने सारे जो कॉम रेंज के स्मार्टफोन है वो इस डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता कि आपका जो फेस है उसको कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए इसको वो लोग क्या करते हैं कि आप जो फोटो चूज करते हैं उसको वो सेंड करते हैं अपने डाटा सेंटर पर, जहाँ पर उनका डाटा स्टोर होता है। तो वो डाटा को वहाँ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होके फिर आपके मोबाइल में आता है। तो फिर आपको देखता है वो फोटो जो भी है, आप तो परमिशन दे दिए कि आप फोटो ट्रांसफ़र होगा। तो कुछ लोगों का यही कहना है कि ये आपके मोबाइल से कुछ भी फोटो उठा के लेके जा सकता है, जैसे कि आपका बैंक डिटेल हो गया, या फिर कुछ ऐसे कोई सिक्योरिटी या फिर कोई ऐसा वगैरह फ़ोटो उठा के लेके जा सकता है। लोग आजकल क्या करते हैं, सपोज किसी का बैंक कार्ड हो गया, कहीं पर डिस्प्ले करना हो गया, या फिर कोई आईडी कार्ड हो गया, सब सबका फोटो उठा के मोबाइल में रखे रहते हैं कि किसको दिखाने में काम आए, कि कहीं पर कुछ जेरस पर्स निकाला कुछ काम आए। तो कुछ जो ज्ञानी है वो बोलते हैं कि ये आपका सिक्योरिटी मतलब प्राइवेसी भंग कर सकता है, इसीलिए इसको लेकर अभी इतना चर्चा हो रहा है, नहीं तो आप पहले से है, बस अभी चर्चा में आया है। तो क्या ये आप सेफ है? तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कोई भी आप इतना सेफ है। कंपनी का कहना है, फेस ऐप कंपनी का कहना है कि आप जो फोटो, जो आपका जो फोटो अपलोड होता है वो 24 या 48 आवर के कितने बाद वो ऑटोमेटिक उनके सर्वर से डिलीट हो जाता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं, डिलीट हो जाता है, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन उनका ही दबा के वो डिलीट कर देते हैं। अगर डिलीट नहीं करते तो उसका क्या? आप लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं वो मिक्स्ड फीलिंग है, मैंने भी एक बार दो बार ट्राई किया है, मैं कुछ सैंपल दे दूंगा। मस्त फन आप है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब सिक्योरिटी या प्राइवेसी की बात आता है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप ट्रूकॉलर को सारा परमिशन दे सकते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ एक्सेस कर सकता है, फेसबुक आपका डाटा सेल कर सकता है, तो फेस ऐप क्यों नहीं? आपका मर्जी है। ट्रूकॉलर तो हर कई मतलब हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल होता है और हर कॉन्टैक्ट को एक्सेस होता है उसका, उसका विरोध नहीं करते, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं, आपका मर्जी। लेकिन ये सब आपसे बच के रहिए, ये थोड़े फन के लिए है, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।
इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। बाय बाय।